स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ मैंगो से मैंगो शेक बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और इसमें एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिससे इसकी टेस्ट इनहांस हो जाएगी। तो आगे वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एक या दो जितनी मैंगो की आपको बनानी हो, आप मैंगो लेंगे और उसे पील कर लेंगे। इस तरह से नाइफ की सहायता से आप उसके स्किन को आप ज़रा सा स्क्रब करेंगे तो मैंगो बहुत वो स्किन रिमूव हो जाएगी, है ना। तो इस तरह मैंगो को हम बहुत अच्छी तरह से पील कर लेंगे। मैं एक ही मैंगो की बना रही हूँ, आप चाहें दो तीन जितनी भी मैंगो को पील कर सकते हैं। इस तरह देखिए कट मार्क करके और नाइफ को जब मैं चलाऊंगी तो ये हमारी मैंगो बहुत अच्छी तरह से देखिए टुकड़ों में कट जाएगी। सारी मैंगो को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, सारे मैंगो को अच्छी तरह निकाल देंगे और गुठलियों को साइड हटा देंगे। ये जो मैंगो के टुकड़े हैं इसे मैं मिक्सी के जार में डालूंगी। यहाँ 3-4 चम्मच चीनी और दालचीनी के पाउडर डाली हूँ और ये देखिए इसके मैं एक प्यूरी बना लूंगी। अभी मैंगो थोड़ी सी खट्टी आ रही है इसीलिए चीनी की मात्रा डालनी पड़ेगी। इसे यहाँ मैं ठंडी दूध डाल रही हूँ और दालचीनी तो इसकी जान है, बहुत टेस्ट को बदल देता है दूध डाल करके। और मैं इसमें एक चीज़, ये ब्रेड क्रम्स हैं, इसे एक चम्मच डालूँगी, सिर्फ एक चम्मच। बस इससे ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत बढ़िया लुक देती है और टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। आप एक बार डाल के देखिए, आपकी मैंगो शेक बहुत टेस्टी बनेगी, है ना। बस मैं सभी चीज़ों को डाल के मिक्सी में चला ली हूँ। यदि आपको इसे शेक की तरह पीनी है तो ग्लास में डाल के पीजिए, और यदि पूरी पराठा रोटी के साथ बच्चों को देनी है तो बस इसमें छोटे छोटे मैंगो के पीसेस को डालिए और ये ठंडी ठंडी फ्रिज में रख करके आप इसे सर्व कीजिए। तो रियली ये बहुत डिलीशियस लगती है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? और मेरे नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद।